तानाशाही की सरकार उनका सुपड़ा साफ होना तय है, इस तरह का बीजेपी ने वादा किया था, वो आज तक कोई भी क्षेत्र में उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। बड़े दिल में छुपाने के लिए इसका मुखौटा का उपयोग किया। जो गुलाम रैली है उसमें झारखंड के तमाम जगहों से तमाम तरह के लोग आए हैं, अपने अलग अलग तरीके से अपना समर्थन दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर मुखौटा पहन कर आए हैं, ये हेमंत सोरेन के चेहरे का मुखौटा है और हाथों में टांगी और जेएमएम का झंडा लिए ये लोग हैं। कहाँ से हैं दादा? बोकारो से। हम लोग गिरिडीह लोकसभा गोमिया विधानसभा से आए हैं। गिरिडीह लोकसभा गोमिया विधानसभा गोमिया विधानसभा से आए। क्यों आए आप यहाँ? हम लोग न्याय महारैली में शामिल होने के लिए आए हैं। कई नेता यहाँ पर बहुत से भाषण दिए, क्या लगा? इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार जो है केंद्र में जो है तानाशाही की सरकार उनका सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि हम लोग गांव-गांव में जाकर देखते हैं जिस तरह के जुमलेबाजी और जिस तरह का बीजेपी ने वादा किया था वो आज तक कोई भी क्षेत्र में उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। उनका वादा पूरा नहीं हुआ है, ये मुखौटा पहन करके तीर धनुष लेके टांगी लेकर के दिखाने का ये अनोखा। देखिए हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर है, उनका कमी महसूस हो रहा है, इसलिए उनका मुखौटा पहन के हम लोग उनका कमी को बड़े दिल में छुपाने के लिए इसका मुखौटा का उपयोग किया। आप लोग और तो बात नहीं करेंगे, क्या नाम है आपका? सोनाराम मुर्मू। सोनाराम मुर्मू जी, ये टांगी आपका खुद का है? हाँ। लेके आए वहाँ गिरिडीह से? बोकारो से। हाँ, गोमिया गोमिया विधानसभा से लेके आए? गोमिया विधानसभा से। किस लिए आए? हेमंत सोरेन के लिए। हेमंत सोरेन का रैली में आए हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन के, उनकी पत्नी को सुने क्या बोले? सुने कल्पना सोरेन, एक पत्र सुनाई वो। अब पत्र उतना याद नहीं आते हैं यार, अभी याद नहीं आ रहा है, उतने उतने वो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक अनोखा तरह का प्रयत्न है समर्थन करने का हेमंत सोरेन की सरकार का। हेमंत सोरेन जेल में है, तो जो लोग हैं वो उनके समर्थन में यहाँ पे आए हैं, हाथों में टांगी लिए।